कुल्लू में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग प्रार्थी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार टैक्स लगाकर जनता को लूटने में जुटी है। अनुराग का कहना है कि टैक्स जमा हुए पैसों से केंद्र की भाजपा सरकार कई विधायकों को खरीदने में जुटी हुई है, तो वहीं कई जगह पर सरकार गिराई जा रही है। भाजपा सरकार में ऐसा पहली बार हुआ कि जब हर चीज पर जनता को टैक्स देना पड़ रहा है और जनता आए दिन टैक्स के बोझ के नीचे दब रही है। अनुराग शर्मा ने कहा कि खाने पीने के चीजों से लेकर हर सामान पर भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है और उसके पैसे से जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। भाजपा सरकार सरेआम विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है और इससे देश में भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में टैक्स के पैसे का दुरुपयोग भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पुख्ता सबूत ये है कि आए दिन कई बड़े बड़े नेता अपने दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई, जिस तरह जो केंद्र सरकार में आज मोदी जी बैठे हैं, जिस तरह वो सरकारों का गिराने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करने में लगे हुए हैं, उसने महंगाई और भ्रष्टाचार को जो है चरम पर पहुंचा दिया है। 2014 के आप रेट देखिए और आज के रेट, डीजल के रेट 60 रुपए थे, आज 90 रुपए हैं। पेट्रोल के रेट 110 पहुंच गए हैं और आपके सिलेंडर जो 410 रुपए में मिलता था कभी, वो आज 1000 से ऊपर है। आज जीएसटी उन्होंने लगाई है दूध दही हर चीज पर। आज भारत में, आजाद भारत के बाद या हम पहले भी कहें, इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन जो है कभी नहीं हुई और ना ही किसी सरकार ने की।